जी का जो पार्थिव शरीर है उसको इस वक्त अंतिम यात्रा के लिए अपने अंतिम पड़ाव पर लाया जा रहा है। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं, साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे थे और ये जो दृश्य हैं ये सीधे दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं गांधीनगर से अंतिम यात्रा के लिए हीराबेन के पार्थिव शरीर को इस वक्त लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य जन भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले गांधीनगर पहुँचे थे, उसके बाद वो अपने घर पर गए, उन्होंने पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री शव यात्रा में शामिल हुए। और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री और उनके भाई और परिवार के जो अन्य जन हैं वो इस शव यात्रा में शामिल हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त ये शव यात्रा चल रही है। और लगातार जो हम अपने विशेष मेहमानों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने 100 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे किए, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया, उस वक्त पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने माताजी का जो जीवन है, जो अपना बचपन है, जिन अभावों से, जिन संघर्षों से, जिन खूबियों में वो वक्त बीता, वो बचपन बीता और वो दौर था, उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से सीख ली है, अपने माताजी के जीवन से सीख ली है। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है। यहाँ अग्नि को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर, जो ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुका है और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए एक काफ़ी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है। जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी माताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें, वो दृश्य पूरे देश, दुनिया के सामने आती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की उनकी उम्र थी लेकिन वो काफ़ी एक्टिव रहती थीं। कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की माताजी ने खुद सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उदाहरण दिया था और उस उम्र में कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक ताकत मिली थी वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन लगाकर कोई नुकसान नहीं है। जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे तमाम देशों में वैक्सीन के प्रति कई नकारात्मक बातें सामने आ रही थीं और कई बड़े विकसित देशों में एक पूरा एक जनसंख्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं, वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी। लोकतंत्र के इस
महापर्व में, जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, या हम बात करें नोटबंदी की, उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की, और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी। अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो वहाँ पर निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। अनिल बंसल जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ऐसे पद पर अगर परिवार के सदस्यों को कई तरह की सहूलियतें मिलती हैं, परिवार के सदस्य जो एक सामान्य परिवेश होता है उसमें कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं प्रधानमंत्री के परिवार को, उनके भाइयों के परिवार को, उनके माताजी के जीवन को, तो कभी ये लगा नहीं कि वो प्रधानमंत्री की माताजी हैं या उनके परिवार वो प्रधानमंत्री का परिवार है। बड़े सामान्य तौर पर ये लोग रहते हैं, और प्रधानमंत्री की माताजी की बात करें तो काफ़ी सादा जीवन उन्होंने जिया है। क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के बड़े भाई हैं सोम भाई, और उनके प्रति सोम भाई का, नरेंद्र भाई के प्रति काफ़ी लगाव भी रहा है, और नरेंद्र भाई भी सोम भाई का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि पिता के बाद एक तरह से सबसे बड़े होने के नाते परिवार का बोझ उन्हीं पर था। तो सोम भाई के घर जाने का मुझे अवसर मिला 2016 में, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। वो खुद गांधीनगर से हमें अपने साथ ले गए, और मैं हैरान था, उनके घर पर ना कोई कुक था, ना कोई गार्ड था, ना कोई नौकर था, और सोम भाई की पत्नी ने खुद पकौड़ी बनाई, चाय बनाई, और मैं और एक मेरे मित्र थे, हम दोनों को उन्होंने प्रेम भाव से नाश्ता कराया। हम सोचते थे इनके साथ एक फोटो ले लें, लेकिन हम कह नहीं पाए संकोचवश। तब सोम भाई ने खुद कहा कि एक फोटो तो हो जाए हम सबका, फिर पता नहीं कब मिलना होगा नहीं होगा। तो मैं उनकी सरलता और सादगी, मैंने पूछा आपके घर में कोई काम वाली नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुएं हैं, बहुएं काम पर गई हुई हैं, और कोई बात नहीं। और उनकी पत्नी ने प्रेम भाव से जो पकौड़ी खिलाई, मैं हैरान था किसी प्रधानमंत्री के बड़े भाई के घर में ये व्यवस्था हो सकती है, जहाँ कोई तामझाम, कोई लाल बत्ती, कोई किसी गाड़ी पर कोई प्लेट, नेम प्लेट, किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। और बिल्कुल सादगी से, लोगों को तो पता था ये प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं, लेकिन उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में, उनके बातचीत में, आचरण, कोई बात ऐसी नहीं झलकती थी जो उनको आम आदमी से अलग दिखाती। तो ये चूंकि हमने देखा कहीं, कोई किस्सा हमने पढ़ा नहीं, रोज हम राजनेताओं के किस्से पढ़ते हैं, उसके भाई ने वहां जमीन घोटाला किया, उसके भाई ने वहां गलत तरीके से नौकरी ले ली, उसके भाई ने वो कारखाना हड़प लिया, उसके भाई ने, भतीजे ने ये कर लिया, उसकी पत्नी के नाम से ये हो गया। लेकिन ये इस मामले में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रारंभ से ही बेदाग रहे हैं। वो 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तो उनका पूरा परिवार अहमदाबाद में ही था, वहां कभी किसी ने कोई उंगली उठाने का उन्होंने अवसर नहीं दिया, और यहाँ भी, और उनके परिवार जनों ने भी अभी अपेक्षा नहीं की। मुझे लगता है ये सब जो हीरा बेन है उन्हीं की सभी परिवार में, सभी पुत्रों में, सभी पुत्रियों को उनकी ये प्रेरणा रही, उनके संस्कार रहे। अन्यथा आप देखिए परिवार में झगड़े होते हैं, एक भाई दूसरे भाई के लिए नहीं करता तब झगड़े होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मुझे लगता है उनके जो भाई बहन परिवार, उनका पूरा परिवार ही इतना संस्कारित है कि ये सब हीरा बेन के संस्कार थे, कि किसी ने अपेक्षा नहीं की, किसी ने लालसा नहीं की, किसी ने टिकट नहीं मांगा, किसी ने कहीं मनोनयन नहीं कराया, कोई किसी चीज की, किसी पट्टा, किसी जमीन, इस तरह की अपेक्षा नहीं की। तो ये एक बेदाग, जिसे गांधी जी कहते थे सच्ची सेवा निस्वार्थ जनसेवा, वही होती है। तो मुझे लगता है कि हीराबेन ने वो संस्कार दिए जिस पर आज नरेंद्र मोदी जी खुद लगातार चल रहे हैं, और उनके बाकी परिवारजनों पर भी कोई किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, किसी ने टोका नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि हीराबेन के संस्कार थे ये, जो नरेंद्र मोदी जी में भी हैं और उनके पूरे परिवार में हैं और परिलक्षित होते हैं, और कोई उन पर आज तक उंगली नहीं उठा पाया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के ब्लॉग से जो उन्होंने जब 100वां जन्मदिन हीराबेन का था तो उस वक्त लिखा था, उससे कुछ लाइनें उन्होंने लिखा है कि आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ तो वो हमेशा कहती हैं कि मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते फिरते चले जाने की इच्छा है।
मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों बेटियों के लिए असंभव हो। अनिल बंसल जी, ये पूरे ब्लॉक को हम देखें तो प्रधानमंत्री जब अपनी माताजी के बारे में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि किस तरह से घर की छत टपकती थी, लेकिन उसको भी वो जब छत टपकती थी तो नीचे एक बर्तन रख देती थी और उसमें जो बारिश के समय में जो पानी जमा होता था बाद में उसका उपयोग भी कर लेती थी। तो वो जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री उनके रूप में यहाँ पर देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से उनको स्वच्छता काफ़ी पसंद थी। वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री लिखते हैं कि किस तरह से जो सफाई कर्मी वहाँ पर आते थे वो किस तरह से उनसे नज़दीकी रखती थी और चाय पीने के लिए लोग इन्हीं के घर पर आते थे क्योंकि इनके घर पर उनको चाय मिलती थी। वो लिखते हैं कि किस तरह छुआछूत में भी उनका कोई भरोसा नहीं था। वो लिखते हैं कि किस तरह से जो आप चिड़ियाओं के लिए वो दाना रखती थी। कई सारी ऐसी इसमें आप पूरा इसको आप पढ़ेंगे तो आज आप प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है या प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसको आप देखेंगे तो एक समानता पाएंगे। चाहे हम जल संरक्षण की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, किस तरह से जब उपले जलते थे घर काला हो जाता था, धुआं जाता था, उसको हम आप उज्ज्वला के तौर पर देखें किस तरह से जो प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण रहा है। अनूठा और सराहनीय कदम था कि गरीब जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया गया। ये परिकल्पना कभी किसी के दिमाग में नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि खुद अपनी माँ को उनके आंखों से धुएं के कारण आंसू निकलते देखे थे तो उस पीड़ा को उन्होंने उन गरीब माओं की पीड़ा मानते हुए ये एक अनूठा प्रयास कर एक अनूठी पहल की, सबको सिलेंडर उपलब्ध कराए। और ये प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि वो व्यक्ति के हित में भरोसा नहीं रखते, वो मानवता की कल्याण की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उनका हमेशा संकल्प रहा है, सबका कल्याण हो, ये ना हो कि 100 लोग खुश रहें और लाखों लोग दुखी रहें। इस तरह की व्यवस्था उनके मन में अगर रही है तो ये निश्चित रूप से हीराबेन जी का ही संस्कार था। जैसे आपने बताया कि उनके घर में जो आते थे सफाई कर्मचारी भी, हम जानते हैं हमारे समाज में छुआछूत रहा है, तो उस समय 80-70-60 साल पहले ये बड़े साहस की बात थी कि वो सफाई कर्मचारियों से भी पूरी आत्मीयता के साथ सलूक करती थी। ये एक सुधारवादी दृष्टिकोण था, समाज सुधार का बड़ा सपना था उनका, पर्यावरण के प्रति भी उनका संकल्प था, प्रकृति के संरक्षण की चिंता थी। और हम सब जानते हैं कि जो बच्चों को पहली पाठशाला उसकी उनकी माँ होती है, जो संस्कार माँ से मिलते हैं वो जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं भूलता। तो माँ बिल्कुल अनिल जी, ये हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को ये सीधे दृश्य गांधीनगर से दिखा रहे हैं जहाँ पर हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो कर्मकांड जो होते हैं वो वहाँ पर निभाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के भाई वहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे, और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है, इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है।
और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बचपन में और सब कुछ हमको जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आज इस ब्लॉग के ज़रिए मिल रहा है वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माताजी को स्वच्छता पसंद थी, वो बिस्तर को सलीके से लगाती थीं। तो ये जो सीख है स्वच्छता की जो बचपन में अपनी माताजी से उन्होंने सीखी और जब उनको मौका मिला वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा। अनिल जी देखिए, स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया तो इसके लिए आवश्यक था कि शौचालयों की व्यवस्था। तो पूरे देश में ये शौचालयों का एक अभियान चलाया गया, मुफ्त शौचालय, उसमें सरकार ने योगदान किया क्योंकि लोग खुले में शौच करते थे, इससे दुर्गंध भी फैलती थी और गंदगी भी फैलती थी। फिर कूड़े के बारे में लेकर किया गया और इसका प्रभाव हुआ है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% लोग शुद्धता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में, सरकार की प्रेरणा में, सरकार के चेतना जगाने में कोई कमी नहीं रही है। पर अभी हम लोग चूंकि खुद डल हैं, अभी हम जो सैकड़ों वर्षों का हमने एक बीमारी पाल रखी है उसको करने में समय लगता है। पर जो इनका विजन था प्रधानमंत्री का कि पूरी दुनिया में लोग जाते हैं बाहर की सफाई की, अपने देश में आकर सराहना करते हैं और फिर टूरिज्म के प्रमोशन का भी इससे जुड़ाव है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ेंगी। ये जो उन्होंने सोचा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो स्वच्छ भारत होगा स्वस्थ भी होगा और इससे दुनिया में भारत की धाक बढ़ेगी। और जो हमारे पास टूरिज्म का उनका एक सपना है कि आज दुनिया के दूसरे देशों में टूरिज्म है तो भारत में भी पर्यटन इसका विकास होगा, पर्यटक आएंगे, सबकी आय बढ़ेगी और दुनिया भारत की संस्कृति और यहाँ के प्राचीन स्मारक और दूसरे जो यहाँ के प्राकृतिक स्थल हैं उनको देखेगी। और भारत एक जो विश्व गुरु बनने का उनका सपना है, बनाने का भारत को, तो पहले से रहा है और आज महाशक्ति ये सभी मानते हैं कि एशिया 21वीं सदी एशिया की होगी और उसमें भारत महाशक्ति होगा। वो जो विजन लेकर, वो कोई 5 साल का या 10 साल का विजन लेकर नहीं सोच रहे हैं, वो 25 साल का विजन लेकर, अभी उन्होंने पूरी शताब्दी का 75 वर्ष आजादी के हुए हैं, 100 वर्ष का विजन उन्होंने दिया है। और निश्चित रूप से इसमें संदेह नहीं, जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कोरोना की महामारी के बावजूद और दुनिया विश्व में मंदी के बावजूद, भारत सारी दुनिया की नजर में आज केंद्र बना हुआ है। विश्व की बड़ी से बड़ी आर्थिक शक्ति भारत की ओर देख रही है, सब लगता है यहाँ निवेश किया जा सकता है, यहाँ शांति है, यहाँ विकास का वातावरण है। तो ये जो स्थिति आई है ये प्रधानमंत्री जी के इस विजन के कारण ही आई है। ठीक है अनिल जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि ये सीधे दृश्य हम इस वक्त गांधीनगर से दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो कर्मकांड हैं, जो अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माताजी हीराबेन थीं। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा है उसकी कई लाइन्स हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और उस पर अपने विशेष मेहमानों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को जिस तरह से डिफाइन किया है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो आज प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो सब उसमें परिलक्षित होता है। अनिल जी, एक जगह वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। अनिल जी, 2014 के बाद 8 साल हो गए हैं, भ्रष्टाचार का कोई भी मामला मोदी सरकार पे अभी तक नहीं आया है। ईमानदारी और स्वाभिमान, चाहे आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें या दुनिया में जिस तरह से भारत अपने रसूख को दिखाता है उसकी बात करें,
तो ये प्रधानमंत्री की हर बातों में, हर वक्तव्य में ये परिलक्षित भी होता आया है। साथ ही मेहनत, दिन रात मेहनत, वो भी हम प्रधानमंत्री की मेहनत को अगर हम देखें तो आज वो बंगाल में होते हैं, कल केरल में होते हैं, परसों वो महाराष्ट्र में होते हैं। शायद ही ऐसा कभी दिन रहा हो कि आपको दो तीन दिन लगातार ऐसे मिले हों जब प्रधानमंत्री आपको सक्रिय ना दिखाई दें। तो इसे आप किस तरह से देखेंगे, ईमानदारी, स्वाभिमान, मेहनत? प्रधानमंत्री जी खुद कहते रहे हैं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अपनी माँ से उन्हें ये परिश्रम की जो प्रेरणा मिली है। ठीक है अनिल जी, इस बात को हम जारी रखेंगे। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, शव को, अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई। आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य, पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर, जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है, ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीरा बहन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए, 100 साल की उनकी ज़िंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं, चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है, पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक माँ के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभावों में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया, पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है,
पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया, वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज हम लोगों के सामने है और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीनों पहले हीराबेन के 100 साल पूरे होने पर उनके 100वें जन्मदिन पर लिखा था। उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिंदगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थीं, स्वच्छता का जीवन जीती थीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थीं और साथ ही साथ कोई स्वच्छता कर्मी, कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज्जत देती थीं और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जनधन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं ना कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे, वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ, और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के जरिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है और साथ ही साथ वो सीख, वो प्रेरणा भी अमर है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है। हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी इस तरह की नीतियां बनाते हैं। अनिल बंसल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर वापस पंच
पंच महाभूतों में इस वक्त समा रहा है, मुखाग्नि दे दी गई है, लेकिन आत्मा अमर है और वो सीख भी अमर है जो प्रधानमंत्री को एक माँ से मिली है। देखिए आप, हमारे वेदों में कहा गया है कि शतायु, जो पुण्यात्मा दिव्यात्मा है उनको शतायु होने की कल्पना की गई है। हीरा बेन शतायु हुई, जो जीवन के चार हमारे वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उन सबको उन्होंने जिया, पूरे स्वस्थ जीवन जिया। कमजोर अंगों के बावजूद वो किसी पर आश्रित नहीं रही, अपने रोजमर्रा के काम खुद ही कर लेती थी। तो ये एक आदर्श जीवन है, कोई दिव्यात्मा पुण्यात्मा को ये जीवन मिलता है। और जो संस्कार की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहा, उन्होंने पहले दिन ही कहा था मैं प्रधान सेवक हूँ। तो ये जो एक भावपूर्ण एक सेवा भाव है, जो मन में संस्कार है, जिसमें जो आपने कहा स्वाभिमान है लेकिन अहंकार नहीं, कई बार स्वाभिमान और अहंकार में बहुत महीन रेखा होती है, लेकिन ये स्वाभिमान है, ये अहंकार नहीं, ये स्वाभिमान है जो सेवा का भाव रखता है जी। ये स्वाभिमान है जो अहंकार की तरह दमनकारी भाव नहीं रखता। तो ये जो बड़ी बात है, जो संस्कार है, ये एक दिव्यात्मा पुण्यात्मा होने का प्रमाण है कि उन्होंने शतायु जीवन पाया और उनकी सब संतान अच्छी हैं, और इतना एक पुत्र उन्होंने दिया, जैसे हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद को हम याद करते हैं, तो किसी न किसी रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनमें विवेकानंद का स्वरूप देखता हूँ। उन्होंने राष्ट्रभक्ति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी मानवता, इसके कल्याण को ही अपने जीवन का मिशन बनाया है और लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं जी। जनसेवा, मानव मात्र की सेवा, जन कल्याण, अभावग्रस्त लोगों की चिंता, ये एक नेता से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप लोकतंत्र में? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता का यही सच्चा मिशन और संकल्प हो सकता है कि वो लोगों की गरीबी को, पीड़ा को, अभाव को, कष्टों को खुद जीता हो, महसूस करता हो, उसके बारे में संवेदनशील हो। और ये भाव हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ऐसा अवसर, चाहे कश्मीर में बाढ़ आई हो, चाहे सीमा पर लड़ते हुए जवान हो, किसी को प्रधानमंत्री ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी संघर्ष भरी जिंदगी को समझ नहीं रहे हैं, या उसको जानते नहीं हैं, या उसको पहचानते नहीं हैं, या वो कोई उनसे अलग हैं। प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई विशेष दर्जे वाले हैं, जो सीमा पर जवान लड़ रहा है उसका कोई अलग दर्जा है, ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई सोच उन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दी। तो यही बात है कि आप देखिए आज देश में जो हमारे फौजी हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी पार्टी को वोट देते हों, आखिर वो भी वोट देते हैं, लेकिन ये बात सब किसी भी फौजी से आप बात करिए, वो कहेगा कि जो स्वाभिमान, जो आत्मसम्मान हम आज महसूस कर रहे हैं, वैसा हमने अतीत में कभी नहीं किया, इसमें कोई दोराय नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, प्रधानमंत्री का जो सफर रहा है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर रहा है। प्रधानमंत्री अपने घर से चले गए थे, रामकृष्ण मिशन मठ चले गए थे, उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में कई जगह दौरा किया, तो उसको लेकर के वो लिखते हैं कि मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ पिताजी ये सब सुनते रहते थे, ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चला। एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए, वो थोड़ा खिन्न होकर बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही, उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था, पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है,
ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा, इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तो आप एक अनिल जी एक माता को देखिए ना, आप माँ की जो ममता होती है वो काफ़ी कठोर होती है, और जब कोई पुत्र माँ से दूर जाता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि माँ उसका समर्थन कर रही हो, और यहाँ आप देखिए पूरा समर्थन माँ की ओर से पुत्र को। नहीं, अगर माँ के अंदर भी भाव है, जन सेवा का भाव है, मानव कल्याण का भाव है, तो फिर वो जरूर चाहती है। ऐसी माएं होती हैं, अतीत में भी हुई हैं, और हीराबेन भी उसी श्रृंखला की कड़ी हैं कि जो चाहती हैं कि उनका पुत्र सिर्फ निहित स्वार्थ तक, परिवार तक, माँ बाप तक ही सीमित ना रहे, मानवता मात्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा। और जब वो शुरू से कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थे, बचपन से प्रभावित थे, तो उसी मार्ग पर वो एक तरह से आगे बढ़े और सेवा का रास्ता उन्होंने अपनाया और मानव मात्र और समाज की कल्याण की कामना की उसी राह पर आगे बढ़े। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए जमीन जायदाद मकान दुकान फैक्ट्री आवंटन कोयला खदान ये सब चीज़ें उनके स्वप्न से दूर रही, क्योंकि उनका तो एक ही मिशन हमेशा रहा है और वो है देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाना, इस भारत माता के उत्थान की कामना करना, उसको सफल करना, उसको साकार करना, और उसी राह पर वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो माँ का तो इसमें योगदान है ही, कौन माँ अपने बेटे को इस तरह से निकलने देती है, वो लाख जतन करती है। पर माँ ने भी सोचा होगा कि बेटा अगर कुछ अलग अनूठा इसके अंदर प्रतिभा है और करना चाहता है तो मैं क्यों इसके मार्ग की बाधा बनूं, और ये एक छोटा रास्ता छोड़कर बड़े रास्ते की तरफ जा रहा है। तो माँ दूरदृष्टा थी, उन्होंने सोच लिया कि जा रहा है तो जाने दो, अच्छी राह पर जा रहा है, किसी खराब राह पर नहीं जा रहा है। तो ऐसी माँ को हम सत सत नमन करते हैं, धन्य हैं ऐसी माँ जिसने ऐसा पुत्र दिया। ठीक है अनिल जी, इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के पार्थिव शरीर का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया है, ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब हीराबेन इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए कितना बड़ा एक खालीपन इसको आप कहेंगे? देखिए, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो जिस उम्र में दुनिया से जाए, माँ का बिछुड़ना एक निजी आघात, निजी क्षति, बहुत बड़ी क्षति किसी भी संतान के लिए होती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि उनके जीवन निर्माण में तो सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का ही रहा है, उनके प्रेरणा स्रोत रही हैं, और वो कुछ उनसे मांगती नहीं थी। जब वो जन्मदिन पर भी जाते थे तो अपनी जो उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने रखी होगी उसमें से 11 रुपये या 51 रुपये, 1 से 1 रुपया प्रधानमंत्री को देती थी, और इस तरह का उनका एक भावपूर्ण रिश्ता था। तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, और ज़्यादा संकल्प के साथ, और ज़्यादा ऊंचे इरादों के साथ जो माँ के दिखाए रास्ते पर और आगे तेजी से बढ़ेंगे, और दृढ़ता के साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने की जरूरतें हैं, उन पर और ज़्यादा फोकस करेंगे, मुझे लगता है उसमें वो। अभी भी हम लोग सोचते ही हैं कि ये कितने घंटे काम करते हैं, 18 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, और क्या ये जड़ी बूटी लेते हैं कि इनके चेहरे पर हमेशा तेज होता है। वो हालांकि कहते भी हैं कि वो नियमित रूप से योग करते हैं और संतुलित और संयमित आहार लेते हैं, पर कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति है, जो आपने कहा स्वाभिमान है, इच्छा शक्ति है, और कई बार ईश्वर आपको प्रेरित करता है, वो शक्ति देता है कि और जो अच्छी राह पर चल रहा है वो और ज्यादा समय तक और ज्यादा गति से उस राह पर चलता जाए, सबका कल्याण करता जाए, सबके हितों के बारे में सोचता जाए, न्यायिक व्यवस्था देता जाए लोगों को। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री अब और ज्यादा दृढ़ता के साथ और
अटल विश्वास के साथ और निश्चय के साथ अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी माँ की जो उनसे अपेक्षाएं थी उन्होंने उनको पूरा किया है, और भी पूरा करेंगे, और एक अच्छा महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे कि माँ ने मुझसे जो अपेक्षाएं की थी जब मैं घर छोड़कर निकला था, तो मैंने माँ को निराश नहीं किया। मैंने माँ की अपेक्षाओं कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी। मुझे लगता है वो कोई इससे ये उनके लिए आघात है, पर इससे वो उबर जाएंगे और ज्यादा प्रेरणा लेते हुए अपने रास्ते पर दृढ़ता के साथ आगे अपना संघर्ष जारी रखते ही रहेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। माध्यम से अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दृश्य काफी भावपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षण होता है जो हर किसी के जीवन में आता है, और खास तौर पर इस वक्त जो आप महसूस कर पा रहे होते हैं उसे शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और आंखों से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए ये पल भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन जिस सोच, जिस तप, जिस योग, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्हें बड़ा किया गया है उसका प्रतिबिंब हम लगातार देख पा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, आत्मा अजर है, अमर है, ना शस्त्र से काट सकता है, ना पानी से गला सकता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है अनिल जी, कि हमेशा ये कहा जाता था, हम बचपन में सुनते आए हैं, कि जो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है वो एक तारा बन जाता है, और ऊपर से आपके उस हर कृत्य को देखता है जिसे देख कर उसे सुख की अनुभूति होती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जिस कार्य और कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री चल पड़े हैं आज, जिसे वो पूरा करेंगे आने वाले वर्षों में, कहीं ना कहीं इससे जो उनकी माताजी हैं उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलती हुई। अनिल जी, आत्मा मरती नहीं है, जी वो निश्चित रूप से उनकी माँ स्वर्ग से भी ये एक संतोष महसूस करेंगी कि जिस राह पर मैंने बेटे को चलाया था वो उससे तनिक भी भटका नहीं, बल्कि मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक उसने मेरी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, मेरी कामनाओं को, मेरी जो अभिलाषाएं थी उनको पूरा किया, और मानव मात्र की, समाज की सेवा में अपना जीवन लगाया, न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में सोचा, अभावग्रस्त लोगों के बारे में सोचा, दीन दुखियों की चिंता की, और यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी गारंटी होती है जो कोई नेता अपनी जनता को दे सकता है, जिसके बारे में वो निरंतर सोचते हैं, उसको योजनाएं बनाते हैं, लागू करते हैं, फिर उनके क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं, और फिर परिणाम को भी अपने सामने पाकर संतोष महसूस करते हैं। अनिल जी, क्योंकि जिन दृश्यों को हम दिखा रहे हैं ये भावपूर्ण तो हैं ही, साथ ही साथ इस वक्त बहुत सी भाव प्रधानमंत्री के मन में चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के व्यक्तित्व को हीराबा ने गढ़ा उसका प्रतिबिंब हम आज देख पा रहे हैं, तो बहुत कुछ उनको याद आ रहा होगा अपने बचपन से जुड़ा हुआ। हालांकि कई बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में भी साझा की हैं, लेकिन वो पहला स्पर्श, वो पहला खाना खिलाना, किस तरह से उन्हें उनके इस विचार पर विश्वास था कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो कुछ अलग सोचा है ईश्वर ने उनके लिए, ये सब उनको स्मरण हो रहा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी रिश्ते एक तरफ, और जो एक बच्चे का माँ से रिश्ता होता है क्योंकि वो नाल से जुड़ा होता है, वो सर्वोपरि, सर्वोच्च और सबसे उसका एहसास ही अलहदा है। सब हम सब जानते हैं माँ की ममता का कोई दूसरा सानी नहीं होता। माँ खुद अभाव में रहकर अपनी संतान को रात भर जागती है, उसको उसके मलमूत्र को साफ करती है, सब कुछ करती है, क्या अपना अपना उसको दूध पिलाती है, खुद अभाव में रहती है, तो दूसरी ये तो सब माएं करती हैं, पर हीरा बेन ने जो संस्कार दिए नरेंद्र मोदी जी को कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है, हमने अभाव में जीवन जिया है, तो जो हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं उनके बारे में सोचना है, सबको अपना परिवार मानना है। तब देखिए आप 14 साल मुख्यमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, माँ ने तो कभी नहीं उन पर कोई दबाव नहीं बनाया कि मुझे भी सुख सुविधाएं चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती, मुख्यमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती, उन्होंने तो कोई नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड कोई किसी तरह की कामना कल्पना नहीं की। सब जानते हैं प्रधानमंत्री के परिवार को हर सदस्य के लिए SPG सुरक्षा की कानूनी व्यवस्था है, उसमें कोई दुरुपयोग नहीं है,
लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनके बड़े भाई के घर गया था 2016 में, जी वहां जी एक नौकर तक नहीं था घर में काम करने वाला। सोम भाई की पत्नी ने हमको चाय बनाई, पकौड़ी खिलाई बना के अपने हाथ से 3-4 बजे शाम को। तो ये ये जो जो आप बात कह वातावरण रहे हैं ना है, अनिल जी, ये जो बात कह रहे हैं ये काफी अहम है, क्योंकि किस तरह से सादगी और उच्च विचार के साथ जीवन जीने की जो कला हीराबेन ने सिखाई वो हमने सभी में देखी। जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके जो बड़े भाई हैं, आपने उनके जीवन का भी जिक्र किया, हम प्रधानमंत्री को खुद देखते हैं, हमें आज भी याद है कि जिस जिस वक्त प्रगति प्रगति मैदान के टनल का उद्घाटन किया गया था, वहां पर जरा सा कचरा पड़ा था तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से उठाया। यानी कि जिस सादगी, जिस उच्च विचार का हम जिक्र कर रहे हैं वो उनको उनकी माताजी से प्राप्त हुआ, और लेश मात्र भी घमंड नहीं था उनमें। वो हमेशा से ये कहती रही कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, और ये कहना अपने आप में उनको और उच्च पदवी और उच्च स्थान देता है किसी की भी नजर में। देखिए उनके किसी परिवार के सदस्य ने, किसी उन माँ भाई बहन, किसी ने किसी सरकारी सुविधा के बारे में सोचा ही नहीं। जो अपना जिस तरह का जीवन जी रहे थे उसी तरह का जीते रहे। और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने लिए कि उनको कोई धन संग्रह करना है, कोई जमीन जायदाद इकट्ठी करनी है, कोई खान का पट्टा लेना है, कुछ और करना है, कोई फैक्ट्री में हिस्सेदारी करनी है, ये सब उनकी कल्पना से परे की चीजें थी। उन्होंने हमेशा माँ ने जो संस्कार दिया कि जी मानवता की सेवा करनी है, गरीबों की दीन दुखियों की सेवा करनी है, बड़ा काम करना है। विवेकानंद उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, माँ की प्रेरणा रही है, उस देश को स्वच्छ भारत बनाना है। तो ये कितना बड़ा मिशन था कि कितने शौचालय, करोड़ों शौचालय देश में बनाए गए, क्योंकि हम जानते थे कि जो बीमारी फैलती है उसमें एक बड़ा कारण गंदगी का भी होता है, और ये सब बड़ा मिशन उन्होंने बिल्कुल सोचा। अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो तस्वीरें हम अभी देख पा रहे हैं, बेटे के लिए काफ़ी दुखद क्षण, और ये एक ऐसा पल है जिसमें कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं। जिस तरह से उनकी माताजी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, और जिस तरह का जीवन वो जी कर गई हैं वो सबके लिए प्रेरणा। अशोक जी, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में बहुत सारी माओं का जिक्र होता है, शिवाजी की माँ की जिक्र है, और हम कि कैसे एक माँ एक बेटे को गढ़ती है, एक बेटे को संस्कार देती है। एक माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि पहली जो पाठशाला है किसी भी बच्चे की वो उसके घर में लगती है, और माँ जो है उनकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। आप देखिए कि मुझे नहीं मालूम इतिहास में हीराबा को कैसे याद रखा जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूं, आज सुबह सारी चीजें जब स्मरण कर रहा था तो मुझे लगा कि इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है। आप सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चों को पालने के लिए कितना संघर्ष किया, दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजे, पानी भरा, मेहनत मजदूरी की, और उसी माँ ने फिर अपने एक बेटे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनते देखा। आखिर इससे बड़ा जीवन क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है, न सिर्फ भारत के जन जन के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, बल्कि मैं कहता हूं पूरे विश्व के लिए इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है। आप देखिए, हम आज 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 इस देश में ही नहीं, बल्कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, और अगर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं तो उनके अंदर जो क्वालिटीज है, मैं अभी सुन रहा था, आप लगातार हम लोग उनकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का पालन पोषण किया और उसके बाद क्या संस्कार दिए। आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है, आज गंभीरता जरूर है, उन्होंने अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखा बिल्कुल होगा, ये बड़ी बात है। किस किस बेटे के लिए, इससे बड़ा किसी बेटे के लिए इससे बड़ा दुख का विषय, इससे बड़ा दुख की खबर क्या हो सकती है, जब वो अपनी माँ को जाता हुआ देखे, माँ की अंतिम यात्रा देखे, माँ को अपने कंधे पर उनकी शव यात्रा लेकर जाए, किसी भी बेटे के लिए, पुत्र के लिए, इससे बड़ा शोक जो है कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये माँ के संस्कार ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी गंभीरता से, उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू किया हुआ है, वो अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर जो एक जो समुद्र उमड़ रहा होगा, बिल्कुल भावनाओं का जो ज्वार उमड़ रहा होगा, उसको वो प्रस्फुटित नहीं होने दे रहे, उस पर अगर नियंत्रण करके, और आज भी अगर प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया, उन्होंने ट्वीट जो किए हैं कि आज भी वो लगातार जो उनके
सार्वजनिक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में वो बने रहेंगे जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है एक प्रधानमंत्री के तौर पर। और आंचल हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब करीब 8 साल हो गए हैं और इन 8 साल में उन्होंने एक दिन का अवकाश नहीं लिया है। ये माँ के संस्कार हैं, ये माँ के संस्कार हैं कि उन्होंने कहा कि बेटे आप जिस काम में जा रहे हो, जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसके लिए अपना सब कुछ झोंक दो। और आज देखिए आप माँ जब उनकी छोड़कर गई हैं तब भी वो अवकाश नहीं ले रहे, छुट्टी नहीं ले रहे, बल्कि अपने जिस कर्तव्य के लिए उनको जिम्मेदारी, जो उनका कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी दुख के, बिना किसी संवेदना के, पूरी पूरी संवेदनशीलता के साथ। तो ये माँ के संस्कार हैं आंचल, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास में हीराबा का जीवन जो है ना, वो एक बहुत प्रेरणादायी जीवन के रूप में मैं इस मुझे लगता है, आज मुझे लगता है कि ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में हीराबा का जीवन जो है एक प्रेरणादायी माँ के रूप में जो है वो अगर पढ़ाया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन से बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री उनसे प्रेरणा लेते थे और वो हीराबा जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने जो कुछ शिक्षा दी वो उनको देखते थे। मैं अभी एक मुझे याद आ रहा था आंचल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताऊं कि वो दोनों के बीच संबंध किस तरह का था। आप ये देखिए कि एक बेटा जो है जब वो किसी पद पर पहुंच जाता है, जब वो इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो अपनी माँ के लिए चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन माँ ने कभी बेटे से डिमांड नहीं की। और बेटे को पता था कि मेरी माँ जो है ये पसंद नहीं करेगी। और ये इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और उनकी माँ किस तरह से साधारण जीवन में, मुझे याद है उनकी जब तस्वीरें, उनके परिवार की तस्वीरें आती थी जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ से मिलने जाते थे, बहुत सारे लोग ओछी टिप्पणियां करते थे कैमरा ये वो, कि भाई कैमरे के साथ माँ से मिलने गए, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि उस कैमरे में उनकी माँ के जहाँ रहती हैं वहां जो घर की दीवानों का जो प्लास्टर है वो भी उखड़ा हुआ प्लास्टर दिखता था, साधारण सा जो फर्नीचर है वो दिखता था। तो आप सोचिए एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की माँ जो है कितने साधारण तरीके से रहती थी। और ये जो ये सब कुछ चीज है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्कार मिले। आज अगर वो अपने काम में आज भी लगे हैं, निरंतर लगे हैं, तो ये माँ के संस्कार हैं और कुछ नहीं है। और मैं एक घटना का और जिक्र कर दूं आंचल कि प्रधानमंत्री जी के जो भाई हैं उनके बेटे का ट्रांसफर हुआ था एक समय में, और प्रधानमंत्री जो है जब उनको उनका ट्रांसफर हुआ तो परिवार में एक बार जो है ये बात हुई कि भाई क्या ये नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए क्या इस ट्रांसफर के बारे में। तो उनकी माँ ने कहा बिल्कुल नहीं, वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। और परिवार ने उस विषय को बिल्कुल नहीं उठाया। बाद में ये बताया जाता है कि बाद में परिवार के सूत्र बताते हैं जब उनको पता चला, जब नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने पूछा कि ये ट्रांसफर रूटीन है कि कैसे है। तो सब लोगों ने हंस के बताया नहीं रूटीन है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो ये एक परिवार के संस्कार आप देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल ये संस्कार है। और यही हमने देखा कि कर्तव्य परायणता के साथ कठोर परिश्रम का जो संदेश और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को गढ़ा वो हम देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, अब वो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। और ख़ास तौर पर आज का जो ये दिन है, भले ही काफ़ी भावपूर्ण है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन अपनी सभी भावनाओं को वो कहीं ना कहीं नियंत्रित किए हुए आज काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इन तमाम संस्मरणों को हमसे साझा करने के लिए, साथ ही आपका भी अनिल जी, तमाम जो अनुभव हैं और किस तरह से आज की पूरी यात्रा उस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ
गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साल 2022 खेलों की दुनिया में कई यादगार पल लेकर आया। अर्जेंटीना बना फुटबॉल का विश्व चैंपियन।